गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग? कोई भी श्लोक मंत्र बोल के। तो सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और मैम के साथ दोहराएंगे। अस्तोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत्युर्गमय। मुझे उम्मीद है आप लोग ये श्लोक याद कर रहे होंगे, है ना? जब भी मिलेंगे तो मैं सबसे जरूर सुनूंगी। बेटा, हमने पिछली क्लास में मयूर पंख से पार्ट 7 पढ़ा था और जल्दी अब हमारी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाली है, तो हम अगली क्लास से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, है ना? और मैं वर्कशीट के माध्यम से भी आपको होमवर्क देना चालू कर दूंगी। आप लोग वर्कशीट को जरूर सॉल्व करें, वो आपका एक तरह से रिवीजन रहेगा। तो हमने पार्ट 7 पढ़ा था, आज उसके हम लोग क्या लिखेंगे? हेलो चुनमुन। क्या पढ़ा था? हेलो चुनमुन, है ना? हमने देखा था कि एक हाथी के बच्चे ने एक उसको गोलू को फ़ोन लगाया था और दोनों ने आपस में बातें की थी। हाथी ने अपनी सारी जानकारी गोलू को दी थी। तो आज हम इसके लिखेंगे प्रश्न उत्तर। सभी लोग अपनी नोटबुक निकालें, शब्दार्थ हम लिख चुके हैं। आप सबसे पहले डेट डालेंगे। क्या डालेंगे? आज की डेट डालेंगे। हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, बोल बोल के लिखेंगे, वन फिंगर डिस्टेंस लेके लिखेंगे, मात्रा की गलती नहीं करना है। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न उत्तर लिखेंगे। गोलू कौन था? गोलू कौन था? सबको पता है गोलू कौन था, हमने पाठ में पढ़ा था, है ना? हाथी का बच्चा गोलू। हाथी का बच्चा था। एक प्रश्न उत्तर के बाद हमेशा एक लाइन छोड़ेंगे ताकि आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन सुंदर वक्त दिखेगा, है ना? चुनमुन गोलू से कब मिला था? चुनमुन गोलू से चिड़ियाघर में कल ही मिला था। कब मिला था? हमें लिखना है कल ही मिला था। चुनमुन गोलू से कब मिला? चुनमुन गोलू से, देखो कब मिला था, कब मीन्स समय पूछ रहे, तो कल मिला था। अगर वो पूछते कि कहाँ मिला था, है ना? प्रश्न को हमेशा समझो और उसका उत्तर लिखो, है ना? कभी कभी क्या होता है, प्रश्न कुछ पूछा जाता है और बच्चे उत्तर कुछ और लिख देते। तो कब मिला था, तो हमें सिर्फ लिखना है कि कल मिला था, है ना? अनावश्यक रूप से उत्तर को बड़ा हमें नहीं करना है, ठीक है? तो चुनमुन गोलू से कल ही मिला था।
हाथी सबके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? प्रश्न 3, हाथी सबके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? कैसा व्यवहार करते हैं? अच्छा व्यवहार करते हैं, है ना? अब देखो, मैंने बोला था ना, यहाँ पूछा है कि कब मिला था, तो कल ही मिला था। अगला प्रश्न है कि कहाँ मिला था, तो हम लिखेंगे चिड़ियाघर में मिला था, है ना? प्रश्न को हमेशा समझना है और उसका उत्तर लिखना है। चुनमुन गोलू से कहाँ मिला था? वन फिंगर डिस्टेंस लेके राइटिंग सुंदर लिखनी है आपको। चुनमुन गोलू से चिड़ियाघर में मिला था। चुनमुन गोलू से चिड़ियाघर में मिला था। आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे का लिखवाती हूँ आपको। बोल बोल के और अच्छी राइटिंग लिखना है आपको। वन फिंगर डिस्टेंस लेना है, बोलना है, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम सबका ध्यान रखना है, वन फिंगर डिस्टेंस लेना है, वन लाइन छोड़ना है।
लेती हूँ। थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाएं अब, है ना, धीरे 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 आप क्लास 3 की ओर जा रहे हो ना, तो अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश भी करें। पहला प्रश्न कब कर रही हूँ मैं, कि चुनमुन और गोलू की उम्र कितनी थी। प्रश्न 5, चुनमुन और गोलू की उम्र कितनी थी। चुनमुन की उम्र 7 वर्ष और गोलू की बाईस माह उम्र थी। चुनमुन की उम्र 7 वर्ष और गोलू की 22 माह उम्र थी, है ना। प्रश्न 2 भी आप लिख चुके हो, मैं रख कर देती हूँ। प्रश्न 6, प्रश्न 6 हाथी की आयु कितनी होती है, उसका वजन कितने किलोग्राम तक हो सकता है। उसका वजन कितने किलोग्राम हो सकता है। उसका वजन कितने किलोग्राम हो सकता है। देखो मैम के जैसे आपको हमेशा बोल के लिखने की आदत करनी है, लेकिन मन में बोलना, क्योंकि अब जब क्लास में आओगे
तो आपके फ्रेंड भी आपके पास बैठे रहेंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा ना। आप स्क्रीनशॉट हमेशा लेके रखें, है ना। अगर आपका नहीं हो रहा है, कुछ बच्चे लिख लेते हैं कुछ नहीं लिख पाते हैं, तो क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेके और इसी क्लास के बाद भी इसे पूरा करना है। ऐसा नहीं कि कर लेंगे मैम, है ना, मम्मा बोलती है कि नहीं कर रहे, लेकिन आपको तभी करना है। और अब याद करना शुरू कर दें, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम जल्दी ही आने वाली है, तो सारी चीजों को अच्छे से याद करें। आयु 70 वर्ष तक हो सकती है और वजन 5000 किलोग्राम तक हो सकता है। हजार, 5000, जग के नीचे बिंदी लगेगी, 5 पे चंद्र बिंदी लगेगी, हर चीज का ध्यान रखना है आपको। कोशिश करा करेंगे ना। हम आएंगे प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न सात है, हम हाथी और उसके परिवार के लोग कैसे हो गए। हाथी और उसके
हैं। हाथी और उसके परिवार के लोग बुद्धिमान होते हैं। फिर आखिरी प्रश्न का उत्तर हम ऊपर लिखेंगे। हमेशा स्क्रीनशॉट लेके रखें ना, जब भी आपका नहीं हो रहा है तो आपको फटाफट स्क्रीनशॉट लेके रखना है। अब होमवर्क में आपको रिवीजन के अनुसार ही दूंगी, क्योंकि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम की हमें तैयारी भी करनी है। तो होमवर्क हमारा रिवीजन का ही रहेगा। आखिरी प्रश्न है प्रश्न 8। हाथियों के समूह का नेतृत्व कौन करता है? प्रश्न 8। हाथियों के समूह का नेतृत्व कौन करता है? हाथियों के समूह का नेतृत्व हथिनी करती है। लिखिए, फिर वक्त दूंगी मैं। अच्छी सुंदर राइटिंग लिखेंगे, बोल के लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं लिख पा रहे हैं। बोल के लिखे अधिक लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके रख ले, है ना। अब मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले, और आज ही लिख लेना है ना, क्योंकि हमें अब लर्न भी करना है। ठीक है, तो मैं रब कर देती हूँ, सभी ने फोटो ले लिया होगा। बस थोड़ा जल्दी हुआ है, लेकिन आपको ये कर लेना है, नहीं आप थोड़ा थोड़ा करके लिख ले, आज के दिन में लेकिन इसे पूरा करना है आपको। चलिए होमवर्क लिख लीजिए सभी लोग अपनी।
क्लास वर्क कॉपी में या कहीं भी करके आपको पुस्तक होमवर्क पुस्तक के पेज नंबर 10 से सही विकल्प क्लास वर्क कॉपी में लिखें, रिवीजन डालकर। पुस्तक के पेज नंबर 10 से सही विकल्प क्लास वर्क कॉपी में लिखना है, पार्ट एक है ना, सूरज जल्दी आना के सही विकल्प। ये देखिए आपके पुस्तक में है, यहाँ पे जो ये सही विकल्प दे रखे हैं, ये आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में रिवीजन डाल के लिखना है, ठीक है। तो आज का हमारा ये वक्त यहीं पे समाप्त होता है। देखिए जब आपकी नोटबुक स्कूल में आएगी है ना, कम से कम एक सप्ताह तो आपकी नोटबुक रहती है, तो उस समय में मैं आपको पुस्तक से रिवीजन करवाऊंगी है ना। तो आप अपनी एक उसी क्लास वर्क कॉपी में ही रिवीजन करेंगे, लेकिन तब तक के लिए उस रिवीजन को आप किसी अन्य कॉपी में एक रफ कॉपी या एक मिक्स कॉपी भी बना सकते हो है ना, और फिर उसको बाद में अपनी क्लास वर्क कॉपी में करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का ये होमवर्क, सभी लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें है ना, और होमवर्क मुझसे मुझे ज़रूर बताना है सबको, और आपका रिवीजन है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो फिर अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। अपनी अगर नोटबुक कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करें, स्कूल भेजें है ना। कुछ बच्चों ने नहीं भेजी थी तो ज़रूर भेजना है ना, वरना आप गलत याद कर लोगे। तो फिर मिलते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाय बाय।